क्लास फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री वाउचर किए थे और उसके बाद फिर हमने कोर सेंटर और डिस्काउंट उसमें एंटर करना सीखा था, सेलर रेट कर लिए थे और इन्वेंट्री वाउचर में ही हम आगे चलते हैं। परचेज और सेल्स की एंट्री करने के बाद आपने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को कैसे करना है? इन्वेंट्री वाउचर का ही पार्ट है अगर हमारे पास रिटर्न की एंट्री हो तो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे। F11 से क्या आते हैं, कंपनी फीचर्स। आप कहीं पर भी F11 प्रेस करेंगे आपके कंपनी फीचर्स आ जाएंगे, जिसमें F1 से अकाउंटिंग, 2 से इन्वेंट्री और 3 से टैक्सेशन आता है। अभी हमें रिटर्न के रिगार्डिंग एक फीचर चाहिए। अब क्योंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ से अब देखेंगे ये फीचर ना आपको F1 में भी मिलेगा। अभी जैसे मैंने पहले बोला था अकाउंटिंग फीचर्स, तो ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी। इनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर से इनवॉइसिंग वाली हेडिंग पे जाना है और यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस कर देना है। डेबिट नोट इज यूज फॉर परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट इज यूज फॉर सेल्स रिटर्न। इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो मैं आपको इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री करते टाइम बताऊंगी। पहले आप क्या करेंगे, इन फीचर्स को यस कर देंगे और इन दोनों के इनवॉइसिंग मोड को भी यस करेंगे। इसमें भी एक डिफरेंस होता है कि एक होता है हमारा अकाउंटिंग मोड, एक होता है इन्वेंट्री मोड। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट यस, और यहाँ से रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, तीनों फीचर यस करके आप इसको सेव कर देंगे कंट्रोल प्लस ए के साथ। सेव करने के बाद अब आपने कहाँ पे जाना है, इन्वेंट्री वाउचर्स में। यहाँ पे अब देखिए F9 से क्या आता है, परचेज वाउचर। पहले हम इसका लॉजिक सीख लेते हैं कि हम इनको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में डालते क्यों हैं। अब इसे जब आप परचेज की एंट्री बात करें, मैं कॉमन एंट्री की बात करती हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं, ठीक है, किसी भी अमाउंट से मैंने ले लिया। और क्रेडिट क्या चाहिए, इधर से पार्टी का नाम, जैसे आपने पार्टी का नाम क्रेडिट करना है, क्योंकि क्रेडिटर से हम परचेज कर रहे होते हैं तो उनका अमाउंट इंक्रीज होता है, इसीलिए वो क्रेडिट होते हैं। पार्टी सपोज मैंने ये ली, ये होती है हमारी कॉमन एक जनरल एंट्री। अब यहीं से आप एक लॉजिक देखेंगे कि जब इस पार्टी को उसका स्टॉक रिटर्न किया जाएगा तो आपने क्या करना है, इस पार्टी को डेबिट कर देना है, क्योंकि जब पार्टी को आप डेबिट करेंगे तो आप उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं। अभी आप देखें, जैसे आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी किया, अब पहले तो हमारी पार्टी क्रेडिट हो रही है, लेकिन जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो इस पार्टी को डेबिट कर देंगे, तो इसीलिए इसको डेबिट नोट इशू किया जाता है। अब इसी का मैं रिवर्स कर देती हूँ कि अगर आपने पार्टी को सेल करना है तो सेल की एंट्री क्या होती है, पार्टी का नाम ऊपर आ जाएगा डेटर और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सेल, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो उसमें क्या करेंगे, हम जब पार्टी से हमारे पास स्टॉक वापिस आएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न, जब हमारे पास वो चीज वापिस आ रही है तो पार्टी को क्या करेंगे, वहां से क्रेडिट कर लेंगे, ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि रिटर्न की एंट्री हमेशा उसकी रिटर्न एंट्री से इधर से रिटर्न होती है। तो डेबिट क्या करना है आपने, यहाँ पे पार्टी का नाम, जैसे कि मेरा जो डेटर है वो, और क्रेडिट क्या किया था हमने, एक जनरल एंट्री में क्रेडिट किया है हमने यहाँ से सेल्स। तो जब आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करोगे, सेल्स रिटर्न में आपने क्या करना है, पार्टी को क्रेडिट कर देना, तो इसलिए इसको क्रेडिट नोटिस करेंगे। तो इसके अलावा परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा भी अगर मैं बात करूँ कि पार्टी को डेबिट और क्रेडिट नोट कब कब इशू किए जाते हैं, देखिए फ्रेंड, चाहे हमारा क्रेडिटर हो चाहे वो डेटर हो, जितने अमाउंट से पार्टी का अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, जितने अमाउंट से, तो उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे। जितने अमाउंट से पार्टी को डेबिट किया जा रहा है तो उसको डेबिट नोट इशू कर देंगे, जिससे उनके लेजर में उनकी साइड पे इम्पैक्ट पड़ता है कि उतने अमाउंट से वो डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, इसलिए उनका ऐसे यूज किया जाता है। ये लॉजिक आप लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ रिटर्न यू कैन यूज एनीवेयर, चाहे वो इंटरेस्ट की एंट्री है चाहे वो ड्यू की एंट्री है, हमने सिर्फ उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड देखी। चलिए अब हम रिटर्न की एंट्री पे आते हैं। पहले हम अपने पार्टी का लेजर निकाल लेते हैं जिनसे कुछ परचेजेस हमारी पेंडिंग में चल रही है। तो डिस्प्ले में आप जाएंगे,
यहाँ पे आपने अकाउंट बुक पे जाके मैं अपने क्रेडिटर को देख लेती हूँ पहले कौन कौन सी है मेरे पास जिनका बैलेंस पेंडिंग है। ग्रुप सफरी में इधर से लिया हमने सैलरी क्रेडिटर। अब हीना एंटरप्राइज का आप देखें 14,250 बैलेंस अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी इसका हमने पे करना है। तो इससे हमने क्या क्या परचेज किया हुआ था एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एंट्रीज जितनी लॉजिकल होंगी आपको उतनी जल्दी समझ में आएंगी। तो यहाँ से पहले इसका एक लॉजिक निकालें, इस पार्टी से हमारी कौन सी परचेज चल रही है, बैलेंस इसका कितना है 14,250 जो कि पे करना है, और इसकी किस चीज में हमने डील किया था, वेब कैमरे से परचेज हुए हुए हैं 10 पीसेस के। अब इस बिल की पेमेंट नहीं हुई है, आप देख सकते हो जो 14,250 पेंडिंग बैलेंस है वो इस बिल का है एक का। तो हम क्या करते हैं, इस पार्टी से परचेज किया था 10 पीसेस तो 5 पीसेस हम इसको रिटर्न कर देते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। अब परचेज रिटर्न का हमने लॉजिक सीखा था डेबिट नोट, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। अब डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एफ नाइन से आपके पास डेबिट नोट आता है। इससे भी आप इस वाउचर का शॉर्टकट लर्न कर सकते हैं कि F9 से अगर परचेज है तो उसके साथ ही परचेज के साथ ही ये लिंक करता है तो कंट्रोल F9 से ही डेबिट नोट आ जाएगा। अब देखिए इससे पहले जब मैंने कंट्रोल F9 किया था तो आपके पास था एक वाउचर मोड आ रहा था, ये इस तरह से आ रहा था इसका भी। इसमें क्या लॉजिक होता है, व्हेन यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस वी तो हम वाउचर्स को टॉगल कर सकते हैं आपस में, कंट्रोल वी से ये अकाउंटिंग वाउचर में आ गया और कंट्रोल वी से ये इनवॉइसिंग वाउचर में आ गया। तो इस तरह से अगर हमने स्टॉक की एंट्री डालनी हो इनवॉइस